डैंड्रफ, इचिंग और फ्रिजनेस, ये तीनों ही प्रॉब्लम्स ना बहुत ही कॉमन है, स्पेशली बारिश के मौसम में। और जिसकी ड्राई स्किन है जैसे कि मेरी, उन्हें तो हर सीजन में ही फेस करना पड़ता है। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा हेयर रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे आपके डैंड्रफ और इचिंग की प्रॉब्लम्स जो है उससे छुटकारा मिल जाए। और हर किसी को लंबे घने मजबूत हेयर पसंद होते हैं और उनके लिए बहुत कोई महंगे महंगे प्रोडक्ट अपने हेयर पे अप्लाई करते हैं जिस वजह से किन्हीं किन्हीं को साइड इफ़ेक्ट हो जाता है और बाल अच्छे होने के बजाय ख़राब भी हो जाता है। तो आज मैं आप सभी के साथ ऐसा ही घरेलू नुस्खा शेयर करूँगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। और अगर आप स्किप कर देंगे तो इसका प्रॉफिट नहीं जान पाएंगे, तो बिना स्किप किए फुल वॉच करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेना है सदाबहार का फूल, जिसको सभी लोग जानते ही होंगे, अधिकांश लोग जानते हैं। सदाबहार का फूल जो बहुत सारे कलर्स के आते हैं, पिंक कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर, बहुत टाइप्स के आते हैं। और फिर लेना है एलोवेरा। एलोवेरा भी तो सभी कोई जानते हैं। एलोवेरा अगर किसी के पास प्लांट है तो आप वहां से ले लीजिए। एलोवेरा आपको किस तरह का लेना है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एलोवेरा का जो पीछे वाला कट करने के बाद येलो येलो आता है वो बिल्कुल नहीं लेना है। एक से डेढ़ घंटे के लिए आप इसको छोड़ना है। तो वैसे मैं सदाबहार का जो फूल लेती हूँ उससे एक दिन बाद मैं अपने हेयर में अप्लाई कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा मुरझा गया है। तो इसे करना क्या है, पानी लेना है एक बॉल में और पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश कर देना है ताकि इसकी जितनी सारी गंदगियाँ होंगी, फूल में लगा होगा, ऐसे फूल में तो रहता ही है ना बहुत सारी गंदगियाँ, तो उसे साफ कर देना है। और मैं एलोवेरा को भी अच्छे से वॉश कर ली हूँ। और अब इसका जो साइड वाला पर्सन है ना इसे कट करके हटा लेना है ताकि हाथ में ये चुभे ना, और इसका दोनों साइड से कट कर लेना है और इसका छोटा छोटा पीस करना है, इसका जेल नहीं निकालना है, इसका छोटा छोटा पीस ऐसे ही कट कर लेना है बारीकी से। और इसे ग्राइंड मशीन में डाल करके थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, ताकि इसमें ऐसे भी एलोवेरा में पानी तो छोड़ ही देता है, जेल तो रहता ही है, तो इसे स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेना है। और फिर इसे छन्नी में डाल करके छान लेना है, इसका जेल निकालना है। इसी तरह से अपने हेयर पे अप्लाई नहीं करना है, ताकि अगर इसी तरह से अगर अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे ना तो इसमें वाइट वाइट जो पूरे हेयर में लग जाएगा वो भी अजीब लगेगा दिखने में भी, अब वो छूटना थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसे इसका जेल इसी तरह से छन्नी से आपको निकाल लेना है। तो देखिए ये हमारा जेल बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब इसमें ऐड करना है, आप जो हेयर ऑयल अप्लाई करते हैं अपने हेयर पे वही हेयर ऑयल आप एक चम्मच आप इसमें ऐड कर दीजिए। मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ अपने हेयर पे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सरसों का तेल अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा सरसों का तेल ही इसमें ऐड कर दी हूँ। और इस तरह से इसमें अच्छे से मिला देना है। और इसका बेनिफिट मैं आगे बताने वाली हूँ, तो फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो अब ये हमारा हेयर जेल जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गया और अब इसे अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ। तो वैसे आप कोई भी रेमेडी अप्लाई करने से पहले हेयर में कॉम्ब जरूर कर लें ताकि जितनी भी डिटेंगल्स होंगे वो क्लियर हो जाए। और हेयर जेल रेमेडी कोई कुछ भी अप्लाई करने में आपको किसी भी चीज़ का परेशानी ना हो। तो वैसे बहुत ज़्यादा मेरा भी हेयर फॉल हो रहा है अभी, तो मैं इससे अप्लाई करने के बाद मेरा भी बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है। तो एक कॉटन बॉल लेकर के कॉटन लेना है, इसी से हेयर में अपना अप्लाई करना। अगर आपके पास स्प्रे बोतल है तो आप स्प्रे से अपने हेयर पे स्प्रे कर सकते हैं। मेरे पास स्प्रे बोतल नहीं है तो मैं इसी से कॉटन से अपने हेयर में पूरे स्कैल्प में अप्लाई करना है। लेंथ में ज़रूरी नहीं है, स्कैल्प में अप्लाई करिए। जड़ें मजबूत होगी तभी हमारे हेयर फॉलिकल्स रुकेंगे, हेयर डैमेज रुकना बंद हो जाएगा। वैसे बालों की प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण धूल और प्रदूषण होता है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी को माना जाता है, पर कृपया करके मेरे शरीर पर ध्यान मत दीजिए, मैं कितना भी खा लूँ वजन नहीं बढ़ने वाला है भैया। तो यार अब चलते हैं बालों की ओर। तो सदाबहार का फूल में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, इससे डैंड्रफ की प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिलता है। और एलोवेरा में विटामिन और खनिजों से भरपूर मात्रा पाई जाती है जो बालों को झड़ने से बचाने, मजबूत बढ़ाने और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में फायदेमंद होता है। इस रेमेडी को अपने हेयर में अप्लाई करने के बाद अपने स्कैल्प में 5 मिनट के लिए मसाज करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है तेज हो और हेयर ग्रोथ इम्प्रूव हो। तो ब्लड सर्कुलेशन अगर तेज होगा तो हेयर में ग्रोथ तो होना ही होना है,
तो आपको इसे अप्लाई करने के बाद आपको मसाज जरूर करना है, 5 से 10 मिनट तक आपको जितना देर लगे कि मसाज करना चाहिए करें। और इसे यूज करने के बाद आपको 15 से 20 मिनट रखना है अपने हेयर पे, और इसके बाद अपने हेयर को वॉश कर लेना है कोई भी अपना फेवरेट शैम्पू लेकर के। और अगर पॉसिबल हो तो आप अल्टरनेट यूज करें, अगर पॉसिबल नहीं है तो सप्ताह में एक बार आप इसे जरूर यूज करें, आप फायदा ही फायदा देखेंगे। मैं 100% के गारंटी के साथ बोलती हूँ, ये बिल्कुल भी साइड इफेक्ट नहीं है और आपको इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलने के बाद आप कमेंट में जरूर बताना कि कैसा लगा ये रेमेडी आपको हेयर में अप्लाई करने के बाद। तो अगर आप इस तरह का और भी इमेजिंग और इफेक्टिव वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करिए, और चैनल पे नहीं हुए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, और आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा दूसरा वीडियो आप तक पहुँच पाएगा।